जी ऑल राइट गाइस, तो आज हम मैं और वाहिद हम हिंदी में आज वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा अकाउंट ओपन हो जा रहा है, लेकिन उसको सप्लायर भी समहाउ हम अपना सामान खरीद लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करते हैं बहुत लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में वाहिद भाई ये बताने वाले हैं कि हम आज प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करते हैं, कैसे अमेजन सेलर में घुसते हैं और वहां पे जाके क्या क्या चीजें को देखनी पड़ती है, कैसे कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तो आज का ये वीडियो रहेगा जिसमें मैं वाहिद भाई को बोल रहा हूँ कि प्लीज दिखाएं। जी ओके राज भाई, द थिंग इज दिस कि जब भी हम अमेज़ॉन के बारे में बात करते हैं या हम जी अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करने की या अपना अमेज़ॉन बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो मोस्ट जी ऑफ द टाइम जो लोगों के जेन में चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट बेचें, ठीक है, या जी हम इस प्रोडक्ट को कहाँ से परचेज करें, कहाँ से हम इसको बाय करें, हम इसको अलीबाबा से लें, चाइना से जी या टर्की से या किसी दूसरे कंट्री से, जहाँ से भी आपको प्रोडक्ट मिल रही हो। बट जो एक चीज़ है लोग जिसको बहुत मिस करते हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसके ऊपर आपका सारा अमेज़ोन का आगे फ्यूचर का जो प्लान होता है वो रिलाई कर रहा होता है, अगर आप जी वहाँ पे थोड़ा सा चौंके, थोड़ा सा वहाँ पे आपने इतनी अग्रेसिव अप्रोच नहीं अप्लाई की, तो फिर आपको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें जी अब सबसे पहले क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा कंपटीशन के साथ कंपीट कर रहे होते हैं, लाइक आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके बिल्कुल ज़ीरो रिव्यू है, क्योंकि तो आप अभी तो आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग की फेज़ में ना, तो बेसिकली जी होता यह है कि जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, आपको पता है कि दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सेल ऑन अमेज़न, उसके बाद आपको पता भी लग जाता है कि हमने प्रोडक्ट चाइना से या किसी कंट्री से किस तरह से शिप करनी है या सोर्स करनी है, तो आप समझते हैं कि अब आपका काम खत्म हो गया, ठीक है, अभी जी रेस्ट ऑफ द जॉब इज डन बाय अमेज़ॉन। तो ऐसा नहीं होता है, रेस्ट ऑफ द जॉब डन डेफिनेटली बाय अमेज़ॉन, क्योंकि वो आपके आइटम को प्रिपेयर करते हैं, पैक करते हैं, जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसको डिलीवर भी करते हैं, तो ये चीज़ें तो अमेज़ॉन का रहा है। बट द थिंग इज दिस कि जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, अगर आप एक बेच रहे हैं, आपको एक छोटी सी प्रोडक्ट भी आप कह रहे हैं, कोई फ्राइंग पैन या कुछ भी एक प्रोडक्ट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा उसके अगेंस्ट हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही आप वो क्यूरी एंटर करते हैं अमेजोन के ऊपर। जी तो अब इसका हल ये है कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट भी सर्च में आनी चाहिए, आपको भी स्टार्ट में रिव्यू चाहिए होंगे, आपकी प्रोडक्ट को भी रैंक होना पड़ेगा, और इसके लिए क्या है कि मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, कोई बंदा आता है वो सर्च करता है फ्राइंग पैन, कोई बंदा आता है वो सर्च करता है ब्लैक फ्राइंग पैन, या सम वन सर्च फॉर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन और सिकलेट जी फ्राइंग पैन, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, तो ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं, दे आर द डिफरेंट कीवर्ड्स, और हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से कीवर्ड के ऊपर हमें प्रोडक्ट को पहले रैंक करना है। अब मान जी लीजिए कि आप एक न्यू सेलर हैं और आपका बजट भी बहुत कम है, तो आपने जब एक प्रोडक्ट को रैंक करना है, आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो उसके लिए आपकी सबसे पहले एक स्ट्रेटजी होती है, आपका एक जी प्लान होता है कि आप कौन से कीवर्ड्स को सबसे पहले रैंक करेंगे, कौन से कीवर्ड को आप सेकंड नंबर पे रैंक करेंगे। मान लीजिए कि आपका एक कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम है 50,000, अब 50,000 सर्च वॉल्यूम मीन के विद इन 30 days इस प्रोडक्ट को 50,000 लोग सर्च करते हैं, दे आर ऑल यूनिक 50,000, फिफ्टी जी थाउजेंड यूनिक सर्चेज आती हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो। अब क्योंकि ये कीवर्ड बड़ा है, बहुत ज़्यादा इसको लोग सर्च कर रहे हैं, तो जितना एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी उसकी जो लॉन्चिंग कास्ट या रैंकिंग कास्ट है वो ज़्यादा होगी। वो रैंकिंग कास्ट ज़्यादा किस लिए होगी कि उस प्रोडक्ट कीवर्ड को ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट और भी लोग अपने प्रोडक्ट को रैंक कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बहुत स्टार्ट में हैं और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ज़ीरो रिव्यू है और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई इतने हमारे अच्छे इमेजेस भी नहीं है, जस्ट सपोज फॉर अ सेकेंड, तो जी आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोग एग्जिस्टिंग सेलर हैं, जो पहले काफ़ी टाइम से बेच रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हो चुके होते हैं, उनको पता है कि हमारे प्रोडक्ट का ये टाइटल काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, फीचर्स में ये चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रहे, सो दे कीप चेंजिंग एंड टेस्टिंग, जी वी कॉल इट ए बी ओके टेस्ट एज वेल, तो उसके बाद दे कीप चेंजिंग द इमेजेस विद इंफोग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, वी लाइक कि हम
डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी लिस्ट को। तो जब जी आपको ऐसे सेलर्स के साथ कंपटीशन करना होता है तो आपको स्टार्ट से ही बहुत जो है वो प्लान के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ, आपका जो पूरा एक्शन प्लान है वो आपने पहले पेपर वर्क में कंप्लीट किया हो कि दिस इज जी हाउ इट गोइंग टू वर्क। और उसमें मेरा एक प्लान होगा वो आपसे डिफरेंट होगा, आपका प्लान मेरे से डिफरेंट होगा। तो हर बंदा अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। तो जी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी चीज है या कौन सा मेथड है, कौन सी अप्रोच है डेट वर्क्स रियली वेल। लोग बोलते हैं कि 90% अमेज़न ही बिजनेस करता है, बट प्लान तो हम करते हैं ना, जी, राइट? तो प्लान हम एग्जैक्टली, करते हैं, तो हमारा प्लान होता है, अकॉर्डिंग टू प्लान हम काम करते हैं। तो अमेज़न का काम क्या, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, राइट? जी, प्लेटफॉर्म बिल्कुल, दे रहा है, बोल रहा है कि मेरा नाम यूज करिए, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आप सेल करिए, ठीक जी। है? जब सेल होगा तभी तो अमेजन पैक करेगा और शिप करेगा, जब सेल ही नहीं होगा तो कहाँ से एग्जैक्टली, पैक करेगा, शिप करेगा? बिल्कुल, तो किसको हमें भेजेगा। अपना जी हमें अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि हाँ कैसे इस चीज को, जो चीज है जो भी हम लॉन्च करने वाले हैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसकी पिक्चर, उसका कीवर्ड, जैसे आपने बोला कीवर्ड सही होनी चाहिए, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, सर्च वैल्यू, ये सारा कुछ हमें नॉलेज होना चाहिए, जी तब जाके बिल्कुल, प्रोडक्ट लॉन्च होती है। उसके बाद से आप अगर रिव्यूज के जरूरत ऊपर पड़े काम तो होता हम है। जी एडवर्टाइजिंग करते हैं, फिर रिव्यू के ऊपर काम करते हैं। तो ये एक बिजनेस है, ये नहीं कि हम अमेजोन के भरोसे ही पूरा छोड़ दें, अपना बिजनेस है, अमेजोन को तो मतलब नहीं है, वो तो ऑर्डर आएगा तो पैक करेगा, अपना फीस चार्ज करेगा, राइट? जी, बिल्कुल। और वो और उस प्रोडक्ट को, सॉरी टू कट यू, उस प्रोडक्ट को जी रैंक करेगा अमेजोन, क्योंकि देखें अमेजोन इज अ बिजनेस, उनको आपके प्रोडक्ट से कंसर्न नहीं है। यू कैन नहीं सेल एनीथिंग, आप कुछ भी बेचे, दे आर आफ्टर देयर फीस, व्हाट वी या कॉल और इट द क्या। एफ बी ए फीस। तो जो बिकेगा उसी से वो फीस लेंगे। अगर आप सेल नहीं कर रहे, आप कुछ बेच नहीं रहे, तो आपसे तो वो फीस नहीं लेंगे। जब आप बेचेंगे तभी आप अमेजोन को फीस पे करेंगे। तो अमेजोन ऐसे प्रोडक्ट को आगे लेकर आएगा, फ्रंट पे आपको शो करवाएगा जिनकी सेल आ रही है, क्योंकि अमेजोन को पता है एक बंदा ये क्यू रिसर्च कर रहा है और ये प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है तो वो बाय नहीं कर रहा। मल्टीपल टाइम जब एक सर्टेन हद तक ऐसा होता है तो अमेजोन क्या करता है, आपकी रैंकिंग डाउन करना स्टार्ट कर देता है। एंड दे कीप पुशिंग एवरी मिनट एवरी आवर टू द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग सॉल्ड, क्योंकि जैसे सेल होगी दे विल मेक मनी। जी और ओके, ये चीज हर एक फील्ड में होता है, ऐसा ही जी, नहीं है कि जैसे कोई भी फील्ड हो, जो चीज बिकता है उसी को अपना, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है ना, वो उनका प्लेटफॉर्म है, उनको भी बिल्कुल, एंड ऑफ द डे पैसे कमाने, उनके भी वर्कर्स हैं, उनको पैसे देने हैं, ऐसे ही जो है, चीज बिक रहा है उसको तो आगे करेंगे ही, बट हमारा काम एग्जैक्टली, है कि अपनी लिसनिंग को टेस्टिंग करते रहें, और जी, अगर नहीं मालूम है तो जो बंदे कर रहे हैं ऑलरेडी सात एग्जैक्टली, दस साल से, बिल्कुल, उनसे कांटेक्ट करें और जी, उनसे सलाह मशवरा लें और इस चीज को सीखें, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, सीखना जरूरी है, कि या तो आप अपने से गलती करके सीखें, ठीक, जी, या तो और आप ये है कि, जिन्होंने सॉरी, गलती कर लिया है ऑलरेडी जी, उनसे सीखें, उनसे या फिर, सीखें। या ये है कि आप 10-15 हज़ार डॉलर की इन्वेंट्री मंगवाएं, लॉसेस करें, और फिर हाँ आपको चीज़ें रियलाइज़ हों कि आई वाज मेकिंग मिस्टेक एट दिस प्लेस एंड दिस ऑप्शन वाज रॉन्ग, दिस अप्रोच वाज रॉन्ग। तो इट्स जी बेटर, नोबडी इज परफेक्ट, नाइदर यू नॉर मी, और कोई भी नहीं, हर एक बंदा, एवरीवन इज ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर सेल्फ। और क्या, और तो सबका अपना मेंटर होता है, राइट? जी, मेंटर आपको हायर करो, जो बिल्कुल, आपको गलत, जो गलत करने वाले उसको स्टॉप करता है। लोग एग्जैक्टली, ये नहीं सोचते हैं, ठीक है, बट लोग देखो जितने भी बड़े आदमी हैं सबका मेंटर होता है। जी, आप बिल्कुल, किसी का भी नाम ले लीजिए, टोनी रॉबिन्स हो, माइकल जॉर्डन हो, रॉबर्ट कियोसाकी, सबके मेंटर थे एंड हैं, और उनको उन्होंने फॉलो किया है, ठीक है? जितने भी फाइटर्स होते हैं उनके एक मेंटर होते हैं, कोच होते हैं जो गाइड एग्जैक्टली, करते हैं, माइक टायसन बिल्कुल, हो गया या कोई भी बड़ा जी, आदमी, ठीक है? वो बड़ा कब बनता है, वो अपना कोच लेता है, हेल्प लेता है, उस बिल्कुल, स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, तब जाके वो एक लेवल पहुंचता है, राइट? तो एग्जैक्टली, लोग $1,000 बर्बाद करने के लिए रेडी हैं, बट मेंटर हायर करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, ये ऐसा बट कि हर एक अपनी, कुछ लोगों को ये बात जल्दी समझ आ जाती है,
कुछ लोगों को और बाद में कुछ समझ में कुछ आती लोगों है, को बाद में आती है जब वो एक अच्छा खासा अपने लॉस कर लेते हैं तो उसके कर बाद भी लेते चीज़ हैं समझ तब। आती है। तो क्योंकि हमारे साथ हुआ है, कई दफ़ा ऐसे हुआ है यू नो कि लोग होते हैं उन्होंने किसी से पूछा नहीं है, इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं, फिर पता नहीं है कि बाद में इसको क्या करना है, इसको कैसे सेल करना है। तो ये चीज़ें होती हैं। और बेसिकली ये है कि जब आप किसी बंदे के साथ स्टार्ट से लेके एंड तक, आप किसी भी बंदे को, यू कैन हायर एनीवन, आप उसे कहें कि यू आर डूइंग दिस थिंग और मुझे इसमें थोड़ा हेल्प कर दें, तो इसमें कोई आई डोंट थिंक सो कि दिक्कत है या कोई मसला है इसमें या लोगों को कोई परेशानी है। क्योंकि आप अगर 5,000 10,000 डॉलर अपनी इन्वेंट्री के ऊपर लगा सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो वाई यू आर सो कंजर्वेटिव टू पे समवन हु नो हाउ टू वर्क दिस थिंग। तो उसमें आप हर एक का कोई 1,000 डॉलर ले रहा है, कोई 300 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, इवन पीपल आर चार्जिंग 5,000 डॉलर। सो वट एवर यू आर पेइंग यू शुड गेट द वैल्यू। एनी हो इट्स एवरीबॉडी चॉइस हाउ दे वर्क, मे बी फॉर सम वन इट्स वर्किंग, फॉर सम वन इट्स नॉट वर्किंग। तो लेट्स गो इन टू द डिटेल कि हम प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट ठीक लॉन्च है। के लिए लेट मी ओपन माई फाइल्स हेयर। बेसिकली सॉरी, दिस इज फोर स्टेप ऑफ अमेजोन प्रोडक्ट लॉन्च, वी कॉल इट फोर स्टेप। किसी के 10 स्टेप होते हैं, किसी का एक अपना तरीका होता है, किसी का डिफरेंट तरीका होता है, बट द मेन जी थिंग व्हाट वी डू इज द वेरी फर्स्ट थिंग इज कीवर्ड रिसर्च। वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें कौन से जो कीवर्ड हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे, या कौन सी हमें जो है हमारे लिए इस टाइम पे। अब यहाँ पे देखिए कि हमने लिखा है कि पिक टॉप 10 कंपटीटर्स एसन। अब कंपटीटर्स कौन से हैं, लाइक मान लीजिए यू आर सेलिंग ए फ्राइंग पैन एंड आप अमेजोन के ऊपर सर्च करते हैं कि हु आर अदर सेलर्स। जैसे ही आप फ्राइंग पैन सर्च करते हैं तो आपके पास कुछ कंपटीटर आते हैं, जो मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स लोग जो सेल कर रहे हैं, फ्राइंग पैन आते हैं। आप क्या करें, वहाँ से देखें कि कौन से ऐसे कंपटीटर हैं जो बहुत अच्छा बेच रहे हैं, आपके टॉप 10 कंपटीटर। एंड आई एम श्योर कि पीपल नो अबाउट दी एसन। एसन इज बेसिकली अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, दे कीप इट इन देयर वेयर हाउसेज। वेन एवर दे नीड टू फाइंड अ प्रोडक्ट दे फाइंड इट बाई नंबर एसन। जी जिस तरह हर ऐसे। गाड़ी का एक नंबर होता है, इसी तरह यहाँ पे अमेजोन में भी एक प्रोडक्ट का नंबर होता है, जी जिसको हम कहते हैं एसन। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमें 10 कंपटीटर निकालने हैं, और 10 कंपटीटर में से उनके ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 1,000 to 12,000 हो। इट कुड बी 10,000, इट कुड बी 15,000, कुछ भी सर्च वॉल्यूम हो सकता है आपकी अपने प्रोडक्ट के हवाले से। तो जी फिर हम क्या करते हैं कि वो 10 कंपटीटर निकालें और उनका सर्च वॉल्यूम, ऐसे कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम 1,000 से 12,000 10,000 के बीच में हो, और उनकी जो पोजीशन रैंक है दे शुड बी 1 to 40, टू स्टार्ट विद पोजीशन 1 to 20 इज पेज 1। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स गो टू द अमेज़न हियर। यू कैन सी माई स्क्रीन राइट, इट्स ओके। यहाँ पे लेट्स से वी सर्च फॉर फ्राइंग पैन। अब फ्राइंग पैन में देखिए यहाँ पे बहुत सारे आ गए फ्राइंग पैन, एंड मान लीजिए कि यू आर जस्ट न्यू एंड यू आर स्टार्टिंग आउट। अब यहाँ पे ये देखिए, इस बंदे के 776 रिव्यूज़ हैं, इसके 2,000 रिव्यूज़ हैं। हमें अभी रिव्यूज़ को नहीं देखना कि व्हाट आर रिव्यूज सेइंग। हम क्या करते हैं, दिस इज़ अ टूल, वी कॉल इट हीलियम 10। आप इसकी इसको फ्री में भी बाय कर सकते हैं, फ्री में, लाइक आपके पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, लिमिटेड आपके पास डाटा आता है। बट अगर आप इनका प्लान ले लीजिए कि जिसमें आई थिंक $90 का, और अगर आपके वो एफिलिएट लिंक के थ्रू जो आप शेयर कर रहे हैं उसके थ्रू अगर करेंगे तो इसमें 50% डिस्काउंट भी अवेलेबल है, राइट। जी तो ये हीलियम 10 है जिसको हम यूज करेंगे। इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ पे हम कहते हैं एक्सरे। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का एक्सरे किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको स्टार्ट कर लें बाय सेल्स, जो सेल्स सबसे ज्यादा कर रहे हैं, जो टॉप 10 है। अब यहाँ पे देखिए, दिस पर्सन इज सेलिंग ओवर 60,000 यूनिट अ मंथ एंड ही इज मेकिंग ऑलमोस्ट $1 मिलियन। ओह वाह
You can see here, and this one is selling 382, and all this lot of money is here in this product. So हम जी क्या करते हैं, वी सिलेक्ट टॉप 10 नेशन हेयर, अभी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, इनको सेलेक्ट कर लीजिए। दीज आर द पीपल जो टॉप 10, सॉरी, जो एक अच्छी सेल्स बना रहे हैं या एक अच्छे इनकम बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम कर रहे हैं अमेजोन के थ्रू, सॉरी, इसमें फ्राइंग पैन के थ्रू कर रहे हैं। अब कल कोई हमारी और प्रोडक्ट होती है, उसमें मान लीजिए जो टॉप 10 का है वो 50,000 बना रहा है, द सेकंड वन इज मेकिंग 40,000, 30,000। तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा जो कीवर्ड है या कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल हो रही है या किसके ऊपर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा। लेट्स से अब जी यहाँ पे हमने ये 10 एसन सेलेक्ट कर लिए, हम कहते हैं रन कीवर्ड सर्च। ये अभी यहाँ पे हीलियम का एक अनदर सॉफ्टवेयर है, वी कॉल इट द सरीब्रो। अब सरीब्रो क्या करता है, ये आपको एक कंप्लीट डिटेल बताता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रोडक्ट की ये सर्च वॉल्यूम है, इतने इसके कीवर्ड जो है वो रैंक कर रहे हैं, इतने इसका फलां कीवर्ड पेज वन पे है, ये कीवर्ड इसका पेज टू पे है। जी तो हम ये देखते हैं कि अभी इन 10 में से हमारे पास कौन से ऐसे कीवर्ड आते हैं इन 10 सेलर्स के, जो टॉप 10 सेलर हैं। ओके, हेयर वी आर, सो वी कैन सी दैट देर आर ओवर 44,000 कीवर्ड। अब जब आपके पास इतने ज़्यादा कीवर्ड होंगे, तो आप इसमें से आपने देखना है कि ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो मुझे चाहिए। स्टार्ट में हमने बात की, हम कहते हैं सर्च वॉल्यूम मिनिमम शुड बी 1,000 एंड मैक्सिमम शुड बी लाइक 10,000, फॉर दिस प्रोडक्ट 10,000 इज एनफ। एंड वट एल्स वी कॉल पोजिशन मैक्सिमम 40। ओके, यहाँ पे ये जो आपको बता रहा है, ये पोजीशन रैंक बता रहा है कि ऐसी प्रोडक्ट, अब यहाँ पे जितनी भी इस पेज के ऊपर आपके पास कितनी प्रोडक्ट आई हैं, 60 प्रोडक्ट आई हैं। तो आप कहते हैं कि पेज वन के ऊपर जो टॉप 40 हैं, जो टॉप 40 सेलर हैं, लाइक यहाँ पे आप इस तरह से करते हैं, अब ये 1, 2, 3, 4, ये इसकी पोजिशन है, ये नंबर वन पे है, और ये जो है, सॉरी, ये नंबर टू पे है, ये नंबर थ्री पे है, इसी तरह यहाँ पे हम 40 तक जाते हैं। और नॉर्मली आप देखेंगे जो भी आपकी सेल होती है वो बायर जो है यहाँ पे इस जगह तक आके ऊपर के टॉप 10 में से वो बाय करके निकल लेते हैं। निकाल देते हैं। लोग इतना यहाँ पे इतना नीचे स्क्रॉल नहीं करते आप, क्योंकि हम तो अमेजोन का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें तो फिर पेज टू पेज थ्री तक भी जाना पड़ता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क। तो अब यहाँ पे जो टॉप पे 40 होंगे, हम उन प्रोडक्ट्स के जो मतलब टॉप 10 हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसे भी बना रहे हैं, और दे आर आल्सो ऑन पेज वन, तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स के कीवर्ड निकालेंगे, ऐसे जो सेलर हैं उनकी प्रोडक्ट्स के हम कीवर्ड निकालेंगे। तो जैसे ही हमारे पास कीवर्ड आ जाएगी, लिस्ट एक आ जाएगी, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें इतने ज़्यादा कीवर्ड आए हैं, तो हम कहते हैं हमें ऐसे कीवर्ड दो जिनका सर्च वॉल्यूम 1,000 से 10,000 के बीच में, और उनकी पोजीशन रैंक जो है वो 40 में हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमने सिलेक्शन कर ली, अप्लाई फिल्टर कर दिया, अभी आप देखिए आपके पास टोटल रह गया कितने कीवर्ड, 883 कीवर्ड। ठीक है, अब जी इन कीवर्ड को आप यहाँ से फिर सर्च वॉल्यूम के थ्रू कर दीजिए जो टॉप। अब आपके पास एक और यहाँ पे ऑप्शन होता है, आई जस्ट मेड इट लिटिल एडवांस्ड अपडेटेड, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं या जो चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं वो एडवांस में हो थोड़ी सी। ठीक है, अब ये नहीं जी कि आप 2 साल पहले की चीज़ें जो है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हो या जो पहले लोग काम करते थे, वैसे इफ़ यू आर वर्किंग एज इन रीसेंट डेज, तो आपको रीसेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी चाहिए। अब यहाँ पे आकर आप देखेंगे ये एक प्रोडक्ट कीवर्ड आ गया, स्टोन्स। अब ये स्टोन इज अ इररेलीवेंट कीवर्ड, हमारे फ्राइंग पैन के रेलिवेंट नहीं है ये कीवर्ड। तो हम क्या जी करेंगे, हम कहते हैं कि इस कीवर्ड को डिलीट कर दो यहाँ पे। तो आप या एक आपके पास ये ऑप्शन है, या क्या करें, आप इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा कर लें अपने पास एक्सेल शीट्स में, तो वहाँ पे जाके भी आप फिल्टर वगैरह लगा के इन चीज़ों को कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये देखिए, कास्ट आयरन कुकवेयर, सेलफोन नॉन स्टिक, कैरवे कुकवेयर, रोस्टिंग पैन विद क्रैक। तो आप इस यहाँ से कीवर्ड यूज़ करके फिर आप इनके ऊपर एडवर्टाइजिंग करें, पीपीसी करें। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।
अब इसको हम मजीद डिटेल में किसी और वीडियो में, किसी और टाइम पे हम इसको मजीद डिटेल में जाके देखेंगे कि हाउ जी दिस कीवर्ड वर्क, या कीवर्ड रिसर्च किस तरह, सॉरी कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, कौन सा कीवर्ड रेलेवेंट है। अब एक चीज़ जो आजकल थोड़ी लोगों को कंफ्यूज कर रही है वो ये है कि लोग क्या करते हैं कि जिस कीवर्ड को सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड को वो कहते हैं कि ये कीवर्ड हम अपनी लिस्ट में करें या इसके ऊपर हम एडवर्टाइज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करें, कीवर्ड ढूंढें जो रेलेवेंट कीवर्ड है आपके। लाइक कि अगर जी एक बंदे ने कास्ट आयरन कुकवेयर सर्च किया तो आप देखें यहाँ पे आपको इसके कीवर्ड के अगेंस्ट क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो दिस इज़ अ रेलेवेंट कीवर्ड। ओके, अब यहाँ पे आप बिल्कुल देखें मैक्सिमम आपके पास ये कास्ट आयरन फ्राइंग पैन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम एक और कीवर्ड देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये एक आ रहा है, ओवर स्टॉक आइटम्स क्लियरेंस ऑल प्राइम्स। अब ये कीवर्ड है, सम पीपल डू सर्च विद दिस एज वेल, तो जिनको सेल वगैरह चाहिए होती है या डिस्काउंट को जो लोग ढूंढ रहे होते हैं, इस तरह के भी कीवर्ड होते हैं। अब ये स्टोव टॉप कवर्स, दिस इज इरेलीवेंट कीवर्ड। अब यहाँ पे देखें हमारा तो फ्राइंग पैन है और ये स्टोव है, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट। अगर कोई बंदा आके इफ़ यू आर सर्चिंग सेलिंग फ्राइंग पैन एंड समवन सर्च फॉर स्टोव स्टॉप कवर्स और आपकी प्रोडक्ट इस कीवर्ड के ऊपर शो हो रही है, बट पीपल आर नॉट लुकिंग टू बाय फ्राइंग पैन, दे आर लुकिंग फॉर स्टोव टॉप कवर्स, तो हमें यस ऐसे कीवर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। थोड़ी यहाँ पे हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपिटिटर जो है उसके ये कीवर्ड आ रहे हैं तो हम भी ये करें। आपने उन कीवर्ड्स में भी जाके जो आपको रेलिवेंट कीवर्ड नज़र आए उसके ऊपर आपने काम करना है। ओके, यानी कि तो कुछ भी कॉपी करके डाल दिया। हाँ ये नहीं करना आपने, हाँ, जितना ये कि हमें आपका बेचना है कीवर्ड, जो जी जो रिलेवेंट है कि हाँ ये फ्राइंग पैन हम बेच रहे हैं, तो फ्राइंग पैन से रिलेटेड कीवर्ड हमें डालना है। तो ये जी हमारा हो गया पोजीशन रैंक 1 to 40 टू स्टार्ट विद, पोजीशन 1 to 20 इज पेज वन, दीज शुड बी टॉप कीवर्ड्स यू आर गोइंग टू ट्राई यू आर गिविंग एंड रैंक फॉर द हनीमून पीरियड। अब कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो जो आपके फर्स्ट 30 डेज होते हैं वो एक हनीमून पीरियड होता है, डेट्स फाइन। अब कुछ लोग इसको हनीमून कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं मालदीव हनीमून, तो ये हर एक की अपने अपने टर्म्स हैं, बट या डेट इज़ राइट। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च मीन बेसिकली कि जब आप प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और आपकी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में पहुँच जाती है, तब से आपकी प्रोडक्ट लॉन्च स्टार्ट होगी। अब वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने कौन से कीवर्ड के ऊपर, जैसे ही आपकी प्रोडक्ट अमेजोन में अवेलेबल होती गई है आपने कीवर्ड के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, आपने रिव्यूज़ के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डे वन से स्टार्ट में करते हैं, ठीक है। अब ये सीपीआर रेट इज द लोअर द बेटर, इसको आप एट द मोमेंट छोड़ दें, और ये टोटल कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 2000 और लेस। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि जब आप फ्राइंग पैन सर्च करते हैं आपको उसके कीवर्ड के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट नज़र आ रहे होते हैं। अब जी हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम कह दें कि हमें ऐसे कीवर्ड चाहिए जिनके अगेंस्ट कम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर आप ये ऐसी है कि आप कहें कि मुझे ये जगह चाहिए या मुझे ये कुछ आइटम चाहिए, तो उसमें क्या होगा, 500 बंदा आके कहे कि भाई मुझे मेरे से ले ले, मेरे से ले ले मेरे, तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ी जो क्वालिटी होगी ना वो डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगी। तो आप जी स्पेसिफिक होके कहते हैं कि मुझे ये मेरी प्रोडक्ट है और मुझे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कीवर्ड चाहिए, और वो कीवर्ड हो जिनके ऊपर थोड़ी प्रोडक्ट्स जो है वो रैंक कर रही हूँ या थोड़ी प्रोडक्ट्स कंपीट कर रही हूँ। अब समटाइम क्या होता है, जो बड़ा सेलर है, द बिग सेलर्स, दे आर व्हाट दे डू, दे फॉरगेट और दे जस्ट इग्नोर द कीवर्ड दैट हैव स्मॉलर सर्च वॉल्यूम। अब एक बड़ा सेलर जो है वो इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करेगा जो जिनका सर्च वॉल्यूम कम होगा। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर टू बिग बिकॉज दे आर बिग वेज, दे हैव मोर मनी टू इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजिंग एंड ऑल दिस स्टफ। यू आर गेटिंग दिस राइट? ओके, उसके बाद होता है कि हम पहले कीवर्ड किस तरह सर्च करें, कौन से कीवर्ड के ऊपर हम काम करें, फिर हमारा आता है कि हम लिस्टिंग जब क्रिएट करते हैं तो लिस्टिंग हमारी किस तरह से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक श्योर द कीवर्ड टॉप 10, टॉप 2 3 हाई रेलिवेंट कीवर्ड्स आर इन योर टाइटल प्रोडक्ट नेम। इसमें क्या चीज़ है कि जो आपका एक रेलिवेंट कीवर्ड है, जो आपके मेन मेजर कीवर्ड है, वो कहाँ पे होना मेन चाहिए, कीवर्ड। आपके प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट टाइटल के अंदर। अब प्रोडक्ट जी टाइटल के अंदर जब आप, क्योंकि अमेजोन का जो सिस्टम है, लेट्स डू दिस दिस वे, ओके, जब भी आप यू कैन सी माय स्क्रीन राइट, या
एंड इट्स अमेजोन पेज ओपन राइट। तो जी यहाँ पे ये जो है आपका दिस इज योर प्रोडक्ट टाइटल। अब जैसे ही अमेजोन के ऊपर क्यूरी आती है, अमेजोन एल्गोरिथम में कोई बंदा क्यूरी डालता है, तो अमेजोन क्या करता है अपने सिस्टम को, दे स्टार्ट लुकिंग रीडिंग एट योर प्रोडक्ट टाइटल एंड प्रोडक्ट की। तो एज सुन एज दे फाउंड द कीवर्ड व्हाट एवर समवन सर्च इट इन योर टाइटल, जितनी जल्दी अमेजोन एल्गोरिथम को आपका कीवर्ड मिलेगा आपकी प्रोडक्ट में और वो आपका फर्स्ट अटेंशन जो है टाइटल है प्रोडक्ट टाइटल। तो यहाँ पे आपने अपने जो टॉप के रेलिवेंट कीवर्ड हैं उनको यूज़ करना है यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे ताकि जो टाइटल भी में। सर्च करे तो आपका ये आ जाए, जी जो भी आप मतलब सर्च कर रहे हैं, जो चीज लोग बाई करते हैं, जितना दिमाग में होता है कि हाँ वो जी टॉप 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 क्लास का, जैसे फ्राइंग पैन है तो फ्राइंग पैन नॉर्मल है, अपना फ्राइंग पैन तो डालेंगे इसमें, लेकिन जी आफ्टर जी जी दैट हमारा जितना भी कीवर्ड है अपने लिस्टिंग के अंदर यहाँ पे और नीचे भी हमारा जो क्या बोलते हैं, जो टॉपिक होता है, पॉइंट होता है, ठीक है, उसमें भी हम डाल देते हैं, राइट एग्जैक्टली। तो आपके जी पास एक अपने व्हाट्स हैपन विद माय वीडियो, ओके हियर इट इज। तो जी हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे रेलेवेंट कीवर्ड होंगे जो टॉप के होंगे उनको हम टाइटल में यूज़ करेंगे, फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट के बुलेट्स पॉइंट, इसको कोई लोग बुलेट पॉइंट बुलेट्स कहते पॉइंट हैं, में भी कीवर्ड डालते हैं, जी कोई राइट कहते हैं जी फीचर पॉइंट है। तो आपने जो अपने रेलेवेंट कीवर्ड है वो आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ करना है मैक्सिमम। व्हाट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि अगर आपकी लिस्टिंग के अंदर आपके राइट कीवर्ड होंगे, रेलेवेंट कीवर्ड होंगे, अच्छे सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड होंगे, तभी बाद में आपकी एडवर्टाइजिंग भी काम करेगी, आपके रिव्यू भी आपके, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में अगर कीवर्ड ही नहीं है अच्छे, आप एक दफ़ा तो पैसे दे के एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट को रैंक कर लेंगे, बट वी आर लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक रैंक, कि जिसमें हमें एक दफ़ा इन्वेस्ट करना पड़े, एक दफ़ा कुछ पैसे जो है वो एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करना पड़े, फिर हमारा कीवर्ड रैंक हो जाए। तो जैसे ही वो रैंक हो जाएगा इट स्टार्ट मेकिंग अस ऑर्गेनिक सेल, एंड हम सो रहे हैं और हमारी लिस्टिंग जो है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रही है। तो दिस जी इज अनदर ब्यूटी ऑफ अमेजोन बिजनेस, कि जब आपकी प्रोडक्ट एक दफ़ा रैंक हो जाती है तो देन आप घर बैठे सुकून से कोई और काम करें या अपनी जॉब करें तो प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें वी आर स्किपिंग नाउ एट दिस मोमेंट बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, बट यह है कि वी विल कीप मेकिंग द कॉन्टेंट जी फॉर द सेलर्स। ऐसा नहीं है सो कि बस कुछ भी खरीद लो और जस्ट लॉन्च कर दो, उसके बाद से हर एक चीज मैटर करता है, स्टार्टिंग से लेके एग्जैक्टली एंडिंग तक एवरीथिंग मैटर्स। आपको प्रोडक्ट रिसर्च से लेके फाइंडिंग सप्लायर से लेके, उसके बाद जब सप्लायर होगा शिपिंग करेगा, शिपिंग करने के बाद फिर ये लिस्टिंग होती है, ये मेन पार्ट होता है अपना, जी की पॉइंट, की वर्ड्स, ये सारा कुछ मैटर करता है। ऐसा नहीं है कुछ भी उठाओ कुछ भी डाल दो और बिकना स्टार्ट हो नहीं, जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जी वही होता है उन लोगों के साथ ही ऐसा होता है कि जो लोग मतलब बातें सुन के या इधर उधर से देख के चीज़ें, वो क्या करते हैं कुछ भी बाय किया और अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर दिया, एंड लेटर ऑन दिस स्टार्ट सेइंग कि हमारी सेल नहीं आ रही, हमने 5,000 यूनिट बाय किए, हमने 500 पीसेस बाय किए, प्रोडक्ट इन्वेंट्री की, बट नाउ वी आर नॉट मेकिंग सेल। तो दैट्स द रीज़न, ये रीज़न है कि आप लोग सेल नहीं आती आपकी, ये फूल क्योंकि बोलोगे कि अमेजन काम नहीं कर रहा जी, फिर आप कहते हैं कि अमेजोन काम नहीं कर रहा है, है। अमेजोन गिविंग अस ए हाँ लॉस। तो अगर आप सही हाँ से काम नहीं करेंगे तो आपको लॉस होगा, और किसी भी बिजनेस में होगा, कोई भी बिजनेस, किसी बिजनेस अमेजोन में। जी, हाँ अमेजोन इज जस्ट अनदर बिजनेस, इट्स मोर इजी टू वर्क, लाइक आप अपनी जॉब कर सकते हैं और अमेजोन पे आपकी प्रोडक्ट की दफ़ा लॉन्च होगी है, आप वहाँ पे बेच रहे हैं, तो आपको इसको इतनी अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। बट फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन इट एटलीस्ट 2-3 मंथ्स, अगर आप खुद कर लें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप किसी जी बंदे को हायर करें, किसी के साथ काम करें, तो ही कैन डू इज जॉब एज वेल। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन सी माई स्क्रीन एंड इट्स या लिस्टिंग क्रिएशन नाउ। लिस्टिंग क्रिएशन या या सो तो हम क्या करते हैं, नो नो आई एम हम नॉट सीइंग द लिस्टिंग क्रिएशन, आई एम सीइंग द अमेज़न का। नो, या लिस्टिंग उसके बाद क्रिएशन हम क्या करते हैं, जब हमारी लिस्टिंग क्रिएट होगी हम कहते हैं कि यूज मेक श्योर दीज टॉप 3 टू हाई रेलिवेंट कीवर्ड्स आर इन योर टाइटल प्रोडक्ट नेम, यूज रिमेनिंग 5 to 10 कीवर्ड्स इन योर सर्च टर्म्स बैक एंड एंड इन योर लिस्टिंग बुलेट्स एंड डिस्क्रिप्शन, दीज सर्च टर्म इन द बैक एंड वी विल मेक अनदर वीडियो फॉर दीज व्हाट्स बैक एंड सर्च टर्म्स।
एंड लिस्टिंग कंटेंट शुड बी ह्यूमन फ्रेंडली फॉर बेटर एक्सपीरियंस। अच्छा, अब समटाइम क्या होता है, ये एक नई बात है, मैं आपको डिस्कस करते हैं कि लोग क्या करते हैं। अब उनकी एक प्रोडक्ट है, लाइक दे आर सेलिंग फ्राइंग पैन, टाइटल में लिख दिया फ्राइंग पैन, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, सिकलेट फ्राइंग पैन, 8 इंच फ्राइंग पैन, दे जस्ट लिस्ट ऑल दीज थिंग्स। ये क्या है, ये एक एल्गोरिज्म की लैंग्वेज है। आफ्टर ऑल यू आर इंटरेक्टिंग विद ह्यूमंस, तो आपने क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट का टाइटल होगा वो ऐसे हो लाइक के आप ऐसे बनाए, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, ओके, फीचर, दिस इज़ द ब्रांड नेम, दिस इज़ इट्स साइज़ एंड इट्स वेरी जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, या इतना मतलब इसमें हीट रेजिस्टेंस है। इस तरह के जो प्रोडक्ट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो आप टाइटल में डाल दें, दो से तीन कीवर्ड आप एंटर करें, और बाकी जो है आप ऐसे बात करें जिस तरह यू आर सेलिंग ए रियल पर्सन। कोई बंदा आपके रियल पास थिंग। आया है, जी आप जब आप उसको कहते हैं अच्छा इसकी क्वालिटी है, ये इतना टाइम चलेगा, ये 1 साल है, 2 साल है, या जो भी आपकी प्रोडक्ट की होती है डिटेल, तो वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए, ना कि आप ये जी कहें कि जनाब बस कीवर्ड की लिस्ट मैंने डाल दी है और वो काम शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अब उसके जी बाद लिस्टिंग कंटेंट शुड बी ह्यूमन फ्रेंडली फॉर बेटर एक्सपीरियंस फॉर दोज टॉप मेन 2 to 5 बेस्ट कीवर्ड यू वांट टू ट्राई एंड गेट इवन 5 to 10 सेल्स फॉर देम। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टॉप के हमारे 5 to 10 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट के हाईली रेलिवेंट हैं, लाइक इन दिस फ्राइंग पैन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, जी सिकलेट फ्राइंग पैन, 8 इंच फ्राइंग पैन, ओके, दीज आर कीवर्ड जो अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं, बट हम सर्च कर सकते हैं। तो आप क्या जी करें, इन कीवर्ड के ऊपर आपने 5 से 10 सेल जनरेट करनी। जैसे ही आपकी इन कीवर्ड्स के ऊपर सेल आती है, दे स्टार्ट पंपिंग इनटू द अमेज़न एल्गोरिथम, लाइक वी आर द कीवर्ड, गिव अस द रैंकिंग, गिव अस द BSR एंड इम्प्रूव अवर सर्च एल्गोरिथम, जो जैसे ही उसके ऊपर सेल्स आती है कीवर्ड्स के ऊपर। आफ्टर ऑल जी अमेज़न इज लुकिंग फॉर द क्यूरीज दैट आर जनरेटिंग सेल्स फॉर पीपल। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बिगनर अभी ये वॉच कर रहे हैं, मे भी उनको समझ में ना आए, ठीक है, कि कीवर्ड ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, बट कीवर्ड वही है। जैसे आप आपको फ्राई पैन बाय करना है और आपके दिमाग में आता है कि हाँ फ्राइंग पैन, चाहे नॉन स्टिक की फ्राई पैन, यू नो, जब आप अमेजन से बाय करते हो तो वही कीवर्ड हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आप एक ह्यूमन, एक आदमी सोचता है कि हाँ एक मुझे तो फ्राई पैन खरीदना है, मुझे ऑमलेट बनाने हैं, तो नॉन स्टिक ही भी होना चाहिए, तो आप नॉन स्टिक ही करते हो, तो ये सारा कीवर्ड हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। बट आपको जितना क्वेश्चंस है हमारे फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे डालने वाले हैं, यूट्यूब पे पूछ ले, जहां पर भी हैं क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, पूछने में आपके कोई लाखों परेशानी करोड़ नहीं रुपये नहीं है, लगते हैं बिल्कुल फ्री है। जी। एंड फ्री है, फ्री रिसोर्स यूज करें, एंड इस चीज को, हाँ, अगर रियली बिजनेस करना है तो इस चीज को ध्यान दे दें, और ये प्रैक्टिस से आएगी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आपको सब आ जाएगी, ये प्रैक्टिस से आएगी। अगर आपको सीखना है तो सीख सकते हैं, नहीं है तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी ये चीज जी, तो ये कुछ जी कीवर्ड्स के बारे में था हमारा। अब एक चीज़ यहाँ पर आ रही है, फोकस ऑन रूट कीवर्ड एंड सीड कीवर्ड्स। रूट एंड सीड दे आर बोथ सेम, जी बेसिकली द रूट कीवर्ड इज दिस के लाइक यू आर सेलिंग ए फ्राइंग पैन 8 इंच, आर यू आर सेलिंग नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन। ये जो जी आपके कीवर्ड हैं ये रूट कीवर्ड हैं, सीड कीवर्ड्स हैं, मेन आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आप कुछ लोग सर्च करते हैं फ्राइंग पैन फॉर आउटडोर, ओके, तो ये जो आपके इस तरह के कीवर्ड जो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डायरेक्ट जी रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जिस तरह अब हम कहते हैं कि एक बंदा है वो कहता है कि यार मुझे कोई आईफोन लेना है, ठीक है, मुझे एप्पल फोन लेना है, ही इज नॉट श्योर कि उसको 11 प्रो लेना है, 12 प्रो लेना है, 13 प्रो लेना है, कौन सा लेना है। बट इफ यू आर सेलिंग आईफोन 13 प्रो मैक्स, तो आप क्या करेंगे, आप टाइटल के ऊपर फोकस करेंगे। आज आपने प्रोडक्ट की कीवर्ड, आपका जो सीड कीवर्ड होगा वो होगा आपका आईफोन 13 प्रो मैक्स, जो आपका जी मेन कीवर्ड है, जो आपकी मेन प्रोडक्ट है, व्हाट दैट इज फंक्शनिंग। अब अगर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी बंदे को अच्छे पिक्चर्स के लिए या ज़्यादा मेमोरी के लिए फ़ोन चाहिए तो मैं कौन सा लूँ, तो ये तो प्रोडक्ट के फीचर हैं, बट आपका जो फोकस है जी वो किस पे है, मेन आपकी प्रोडक्ट को जो प्रेजेंट कर रहा है, जो आपके प्रोडक्ट को बेटर तरीके से जी एक्सप्लेन कर रहा है।
iPhone 30 Pro Max देखते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल देखते हैं कि हाँ ये 64 GB है, या इसका स्क्रीन कितना बड़ा है, या मतलब एग्जैक्टली कितना स्टोरेज है, 512 GB है, और उसके या डिफरेंट इसका डिफरेंट प्राइस चेंज हो गए। बट पहले तो बिल्कुल आप iPhone 30 Pro Max ही देखोगे, राइट? जी, एग्जैक्टली। जी। तो या आप इसमें कलर कौन सा है, ठीक है, तो ये आपके सीड कीवर्ड बन जाते हैं। अब ये हमारी लिस्टिंग बन गई है, जहाँ तक अभी ये, क्योंकि वीडियो हम एक शार्ट में बना रहे हैं, यहाँ पे आपकी लिस्टिंग क्रिएशन तक हो गई है चीज़ें, कि आपने लिस्टिंग किस तरह से बनानी है। उसके बाद आप कहते हैं सेल्स एंड रिव्यूज़ कैंपेन, यूज़ डिफरेंट कैंपेन्स इन हनीमून पीरियड ऑफ योर प्रोडक्ट फॉर बेटर सेल। जब आप प्रोडक्ट नई लॉन्च करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, मल्टीपल कैंपेन्स रन करते हैं, जिसमें आप डिफरेंट कीवर्ड्स एंटर करते हैं, जो भी हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि आप ऐसे जी कीवर्ड यूज़ करें जो 1,000 से 10,000 के बीच में, जिनका सर्च वॉल्यूम हो, या 12,000 के बीच में, समटाइम 1,000 से 5,000 के बीच में भी सर्च वॉल्यूम हो सकता है। तो अब हमारी जब लिस्टिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि हमने सेल्स जनरेट करने हैं और हमने रिव्यू लेने हैं। तो जितने आपके रिव्यू होंगे आपके प्रोडक्ट उतनी जल्दी रैंक होगी और उतनी जल्दी उसकी रैंकिंग जो है वो स्टे करेगी। जी अब यह है कि इसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं, सर्च फाइंड एंड बाय। इसमें मेन कीवर्ड के लिए आप क्या करते हैं, आप एक, अभी बहुत सारी सर्विसेज इसमें आ गई हैं, पिक्सेल फ्लाई है एक, या यूआरएल शॉर्टनर जो है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनके थ्रू आप क्या करते हैं, अपना कीवर्ड को लोगों को कहते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड है। लाइक यू आर सेलिंग फ्राइंग पैन, आप उनको कहते हैं कि ये फ्राइंग पैन है, आप अमेजोन पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए फ्राइंग पैन और मेरी लिस्टिंग को चेक कीजिए, जहाँ पे मेरी प्रोडक्ट आती है आप उसको बाय कर लें। ऑल दो दिस टेक्निक इज़ नॉट वेरी वो स्पोर्टिव, इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है हम इसको, बट यू नो समटाइम वी हैव टू गो शॉर्टकट्स, थोड़ा बहुत समटाइम हमें फ्रेंड्स, जी 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 फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोल सकते हैं कि हमने बिजनेस लॉन्च किया है, तो इसमें एंड हमें सपोर्ट जी सपोर्ट करें। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप सपोर्ट ले लेते हैं, सेल्स दें। थोड़ा जी आना जी स्टार्ट हो जाता है, ठीक बिल्कुल है, एंड आप उस पे एडवर्टाइजिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जी, तो अमेजन को भी दिखता है कि हाँ सेल आ रही है और ये की रैंक कर रहा है, तो यू आर बिल्डिंग योर बिजनेस, यू नो। एग्जैक्टली एंड इसी समय पे सब पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, कितने कौन लोग रहा आपके है, बिजनेस बिजनेस पे को हेल्प करने वाले हैं, और सपोर्ट कितने करना चाह रहे बस, हैं आपको, हाँ, और कितने लोग बस इसी तरह जस्ट बैठे हुए हैं। तो ऐसे है। जो बिजनेस में अगर आपका हेल्प नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तो फिर उसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ऐसे है है। जी। तो ये फिर हम क्या करते हैं, अमेजोन जिस तरह, अब आपको पता है कि नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं 20% ऑफ, 30% ऑफ, इतना ये इतना वो डिस्काउंट देते हैं। तो इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी काफ़ी सारी प्रमोशंस की स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें अमेजोन नो के दे आर न्यू सेलर एंड दे नीड रिव्यूज एंड दे नीड लॉट ऑफ सेल्स एंड पेज व्यू एट दिस मोमेंट। सो अमेजोन आपको थोड़ा रिलैक्स रखता है इन चीज़ों के बारे में। तो आपका सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लाइटनिंग डील्स, ये एक अमेजोन की डील्स होती हैं, वहाँ पे कर देते हैं कि ये डील है हमारी कुछ दिन के लिए, 5 डेज 10 डेज या फलां डेट से फलां डेट तक, तो उसमें आप अपनी प्रोडक्ट को दे देते हैं और अमेजोन भी क्या करता है, आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है कि ये हमारी डील्स हैं, इसमें $20 की या $25 की जो प्रोडक्ट है, दे आर सेलिंग फॉर $15 फॉर सर्टन डेज, मेक श्योर यू हैव एनफ इन्वेंट्री एंड डेट योर प्राइस पॉइंट अमेजोन टेल यू टू सेल प्रोडक्ट एट इज प्रॉफिटेबल। अब यहाँ पे जब आप लाइटनिंग डील करते हैं तो आप देखें कि आपके पास जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, क्योंकि लाइटनिंग डील में आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, तो लाइटनिंग डील में आपने ये देखना है कि आपके पास एक इन्वेंट्री अच्छी, ये नहीं कि आपकी, आपने लाइटनिंग डील ऑन कर दी, लोगों को डील पसंद आई और आपके पास 200 यूनिट पड़े हैं और विद इन अ डे वो सारे सेल हो गए और आप जो है आउट ऑफ स्टॉक चले गए। फिर तो जब आपने लाइटनिंग डील्स वगैरह करनी है तो आप देखेंगे कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है बैग पे, ठीक है, तो आप अपने स्टॉक के ऊपर भी देखिए। और समटाइम रनिंग दीज लाइटनिंग डील्स फॉर लो प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स कैन एक्चुअली कॉस्ट यू मनी। समटाइम क्या होता है, लोग सेल करने के लिए पैसे जो है वो इनकम थोड़ी कैश फ्लो बढ़ाने के लिए डील्स जब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनके पास वो प्राइस इतनी कम कर देते हैं कि उनका जो प्रॉफिट होता है वो ही ख़त्म हो जाता है। तो हमने जब भी एक लाइटनिंग डील्स करेंगे, डील्स जब हम लगाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इस प्राइस के ऊपर रखें कि एटलीस्ट वी आर मेकिंग सम मनी। ओके, तो दीज आर द थिंग्स अबाउट लाइटनिंग डील्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में क्या आता है, अमेजोन वाइन प्रोग्राम। अब ये कुछ इसको सुनने में आया है कि ये बंद हो गया, तो इसको हम नहीं डिस्कस करते एट दिस मोमेंट, इट वॉज द ओल्ड सर्विस, द अदर वन इज कूपन कोड्स। आई एम नॉट श्योर आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट,
कूपन, कुछ लोग इसको कूपन कहते हैं, कुछ कूपन वगैरह। कूपन। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम 40% तक ऑफ दे देते हैं, और क्या करते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि बाय दिस प्रोडक्ट, और इसमें 10% का कोड है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर देखते भी होंगे कि आपको डिस्काउंट कोड या कूपन कोड मिलता है, तो ये कोड भी जो है हम बैक एंड पे जाके अमेजोन में जनरेट कर सकते हैं। अब ये आज तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ऐसे स्लाइड्स में एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, जी बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स एंड नेक्स्ट मे बी 5 to 10 वीडियोस, वी आर गोइंग थ्रू इन डिटेल विद ईच स्लाइड विद इट, लाइक कूपन कोड्स, हाउ टू जनरेट दैम, इसका कितना परसेंट ऑफ होना चाहिए, आपको कितने कूपन कोड्स देने चाहिए। आप सम टाइम ऐसे होता है कि आपका एक ही कूपन कोड होता है और एक ही बंदा वो आपके 10 से 20 प्रोडक्ट बाय कर लेता है, 10 से 20। तो हमने इस चीज़ को भी लिमिट करना होता है, जो आपका कूपन कोड्स है वो आपने कितने लोगों को देना है, या आपके पास 100 कोड्स हैं तो एक बंदा कितनी दफ़ा एक कोड यूज़ कर सकता है, ठीक है। जी तो ये चीज़ें भी आपके पास लिमिटेशन का भी ऑप्शन होता है। उसके बाद हमारे पास एक आजकल बहुत अच्छी जो है इन्फ्लुएंसर्स, आप क्या करें, लाइक कि आप एक होम एंड किचन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उसमें इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करें, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं, लाइक आप इफ़ यू आर सेलिंग टूअर्स रिलेटेड प्रोडक्ट और कैंपिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, या आप होम डेकोर रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप क्या करें, ऐसे लोगों को वो अप्रोच करें जो इन फील्ड्स में इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं या कंटेंट डाल रहे हैं। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, आस्क देम फॉर द मैसेज कि हे वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, इफ़ यू कैन प्रमोट अवर प्रोडक्ट एंड वी आर गोइंग टू पे यू फॉर दैट मच। अब इसमें जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा उसका और रेट होगा, वो आपसे $50 या $100 या $20 $30 भी चार्ज करेगा। अब अमेजोन के भी इन्फ्लुएंसर हैं कुछ लोग जो हैं वो अमेजोन में, वी नो सम ऑफ देम वेरी पर्सनली, कि वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट की वीडियो बनाई, उसको टिकटॉक पे डाल दिया और बोला कि दिस इज़ न्यू प्रोडक्ट है, अगर आप मेरे कोड के थ्रू लोगे, ये आपका कूपन कोड है, तो आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें एक जो सबसे आपको बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब भी अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सेल हैपन होती है, कोई सेल होती है, कुछ भी बिकता है, तो अमेजोन एक एक चीज़ का ट्रैक करता है। अमेजोन देखता है कि अब ये जो मेरी प्रोडक्ट इस यहाँ पे इसने सर्च किया है या बाय किया है, ये बंदा जो है लास्ट पेज कहाँ पे था, ये किस चैनल के थ्रू मेरे पास आया। लाइक जिस तरह भी हमारे पास कोई बंदा आता है कि मुझे अमेजोन सिखा दें या मुझे ये काम कर दें, तो हम उससे पूछते हैं कि हाउ डू यू नो अबाउट अस, कि आप किस तरीके से, आप वो बंदा फिर कहता है कि मैं, मुझे फलां भाई ने रेफर किया है, या फलां कंपनी से मैंने सुना है आपके बारे में, या फलां ग्रुप में आप बात कर रहे थे, फलां फोरम पे आप बात कर रहे थे। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके, गिव हिम रिलैक्सेशन, या इसको थोड़ा प्रोटोकॉल दे दें, या इसको थोड़ा हम अच्छे तरीके से पैम्पर कर दें कि ये किसी से हमारा सुन के आया, रेफर के थ्रू आया। तो इसी तरह जब अमेजोन के ऊपर एक एक्सटर्नल ट्रैफिक आती है, तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को अच्छा खासा बूस्ट देता है, दे इम्प्रूव योर रैंकिंग, दे इम्प्रूव योर BSR। आप अगर वैसे एक आपकी सेल होगी तो उसमें हो सकता है अमेजोन आपको 5% जो है वो इंक्रीज करता हो आपका रैंकिंग, बट जब गूगल के थ्रू कोई बंदा आता है, इंस्टाग्राम के थ्रू आता है, या आउट प्लेटफॉर्म से कोई बंदा जब आपकी प्रोडक्ट को बाय करता है, तो उसमें अमेजोन आपको, देर आर स्टडीज शोज के 18% तक आपको अमेजोन इम्प्रूव करता है। तो दीज आर द थिंग्स, जब हमें ये प्रोडक्ट करेंगे, आप इसमें अपने इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स कैसे ढूंढने हैं, कौन सा फॉलोअर आपके लिए अच्छा है, कौन सा फॉलोअर जो है उसके जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, कौन से जो है वो फेक फॉलोअर्स हैं, 300 दे के 10,000 फॉलोअर लिए हैं, या उसके कंटेंट के ऊपर इंगेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम जब प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जी किस फॉलोअर्स को या किस इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करें, ठीक है। इन्फ्लुएंसर इन योर नेश, वी जस्ट आग यूट्यूब गो, यू कुड आल्सो सर्च ऑन यूट्यूब फॉर इन्फ्लुएंसर मेकिंग वीडियोज अराउंड योर प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है कुछ कुकिंग के लोग होते हैं। अब जिस तरह लेट से वी आर मेकिंग फ्राइंग पैन, अब लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे कुकिंग की वीडियोज बना रहे, तो उसमें आप किसी को कह सकते हैं कि दिस इज अवर प्रोडक्ट, यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट इन योर वीडियो और एनी थिंग, दे नो हाउ इट हाँ वर्क प्रमोशन एंड कर दीजिए। जी जी हाँ एग्जैक्टली। अब एक वेबसाइट है रिबेट की, कुछ इसको रिबेट की भी कहते हैं, कुछ रिबेट की भी होती हैं, मतलब देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जाके अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं और आप कहते हैं कि हु एवर बाय फ्रॉम दिस वेबसाइट, लाइक परचेज तो अमेजोन के ऊपर होगी, मैं आपको इसमें स्क्रीन शेयर करता हूँ कि रिबेट की हाउ इट वर्क्स।
ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाते हैं। 100-200 डॉलर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप एक बार आपका बिजनेस सेटल हो गया तो आप ऑटोमेटिक आपका सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ स्टार्टिंग में अगर आप करते हैं, ये सारा कुछ ऑप्शन है, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट ये सारा कुछ ऑप्शन है, करेंगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और जब आपका बिजनेस सेटअप हो गया, बस आपको इन्वेंट्री फिल करते रहनी है। तो आपका स्क्रीन एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे रहा है वाहिद भाई। जी शेयर स्क्रीन स्क्रीन अभी बस ओपन हो जाता है। तो दीज आर द वेबसाइट्स वी कॉल इट द रिबेट की। अब यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे जो मुख्तलिफ सेलर हैं, जो डिफरेंट सेलर हैं, वो क्या करते हैं, ये आपकी प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर यहाँ पे आके साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद आप कहते हैं कि मैं होम मेड किचन में बाय कर रहा हूँ। लेट्स से अभी हम शॉप में देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है। अब ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, दिस वन दिस गाय इज सेलिंग 1999, बट एट दिस मोमेंट इसने कहा है कि 10% ऑफ है मेरी तरफ से। इसने 10% ऑफ करके, अब जो लोग हैं, जो बायर हैं, पीपल नो अबाउट दीज वेबसाइट्स एंड दे केम हेयर एंड दे जस्ट पुट हेयर वट एवर दे आर लुकिंग फॉर, लाइक वी से फ्राइंग पैन है यहाँ पे। अभी फ्राइंग पैन के ऊपर कोई बंदा डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आप अपने कैटेगरी में जाके, अब ये देखें 300 की है, अभी नॉर्मली ये 269 की बेच रहा है, तो यहाँ पे आप 80% तक डिस्काउंट दे सकते हैं। इट्स जस्ट अनदर चैनल वेयर यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट। आप यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपकी अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, बट आप अगर यहाँ से इस वेबसाइट के थ्रू जाते हैं, यहाँ पे आप बाय प्रोडक्ट करते हैं, तो अमेजोन क्या करेगा, वो यही समझेगा कि दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम अनदर वेबसाइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो यहाँ से आप परचेज कर लें अमेजोन पे इस लिंक के थ्रू। बट ये चीज़ें जो होती हैं, हम थोड़ा इसको वी डोंट रिकमेंड दीज थिंग्स, बिकॉज अमेजोन इज़ ऑलवेज ऑलवेज क्रैकिंग ऑन दीज वेबसाइट्स एंड अदर, बिकॉज के हर प्लेटफॉर्म्स के, हर कंपनीज के कुछ अपने रूल होते हैं, जो चीज़ आज काम सही कर रही है कल को वो काम नहीं कर रही होगी, बट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। जी तो ये भी ऑप्शन होता है आपके पास, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट लाइक दिस वे यू कैन डू इट, बट वी रियली रिकमेंड नॉट टू डू इट। जी ओके सो राज,